वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। जैसा कि बहुत लोगों का सपना होता है आईआईटी से बॉम्बे से पीएचडी करने का, तो आज हमारे चैनल पर है मिस्टर गौरव कुमार सर, जो कि आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं और इन्होंने सीएसआईआर से प्रोजेक्ट भी कर रखे हैं। तो आज हमारे चैनल पर सर ये भी बताएंगे कि सीएसआईआर प्रोजेक्ट को कैसे ज्वाइन करें, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी और पीएचडी आईआईटी बॉम्बे का पीएचडी का एक्सपीरियंस भी सर हमें बताएंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि आपने पीएचडी इंटरव्यू की आईआईटी बॉम्बे की तैयारी कैसे करी, उसका एक रोड मैप आप बता दें सर। बिल्कुल। सो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी इंटरव्यू देना होता है एडमिशन के लिए। तो उसके लिए आप दो क्राइटेरिया कि आप पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे। तो उससे पहला क्राइटेरिया होता है आपके आपके पास कोई सीएसआईआर जीआईएफ का आपके गेट में आपकी रैंक, जैसे हर बार डिपार्टमेंट वाइज चेंज होती है कि वो कितने रैंक पर गेट में शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री की आप आमतौर पर एवरेज मान सकते हो कि अंडर 2000 रैंक होते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो पहला जैसे है कि सी एस आई आर जी आर एफ में क्या हो कि आपकी खुद की फेलोशिप होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको फेलोशिप का क्राइटेरिया होता है। जब आपने जी आर एफ क्लियर किया है तो उसमें आपको श्योर शॉट शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बट गेट में ऐसा ऑन द बेसिस ऑफ कि इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करवाती है, तो हर इंस्टीट्यूट में गेट के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स होती है। अगर वो सीट्स पहले से ऑक्यूपाइड है या फिर सीट्स फ्री नहीं है तो वो उसके हिसाब से हर बार गेट के पेज पर कम कैंडिडेट बुलाते हैं। तो आपका इससे अच्छा है कि आप सी एस आई आर एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, तो उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री में तीन बेसिक डिपार्टमेंट है, तीन सब ब्रांचेज है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो बेसिक आपको उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस में अपना इंटरव्यू देना चाहते हो। आप ऐसा नहीं कि आप एक में ही दे सकते हो, आप मोर देन वन में भी चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तीनों में दे सकते हो। तो उसके हिसाब से आपके जब टर्न आएगा तो बेसिकली एक कमेटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट पैनल चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो दो तीन चार पाँच प्रोफेसर की कमेटी होती है, उसमें आपका जिसमें नंबर आएगा। तो आपको अगर जिस भी टॉपिक से, आप अगर जिस सब ब्रांचेस होगा, फिजिकल से हो, ऑर्गेनिक से हो, इनऑर्गेनिक से हो, या फिर जिसमें भी अगर बायो में हो तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब ब्रांचेस होते हैं। तो वहाँ पे आपके प्रोफेसर चॉइस देते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो, मतलब कौन कौन सा टॉपिक आपका बेस्ट है। तो अगर आप अगर उनमें से बता सकते हो, फिर ये चॉइस काफ़ी अच्छी होती है कि अगर आपका किसी एक टॉपिक पर आप अच्छा कमांड है तो वो उनसे ही आपसे सवाल उससे ज़्यादा पूछते हैं। तो बेसिकली वो टॉपिक आप कम से कम दो तीन टॉपिक, एक टॉपिक से तो नहीं काम बनता, कम से कम दो तीन टॉपिक आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाइए। उसके बाद सवाल तो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, उसके बाद अगर आप उनके आंसर्स करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर एक एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा। और इंटरव्यू से आप जो भी इंटरव्यू का जो होता है, जितना भी आप यहाँ पर इंटरव्यू में जो भी सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, उसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पीएचडी में सबसे जरूरी होता है कि आपके आप किस सुपरवाइजर के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपको पीएचडी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा, बट जो भी आपकी पूरी 5 साल या 6 साल या जितने साल की भी रिसर्च होगी वो सिर्फ सुपरवाइजर के अंडर ही चलेगी। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पे अगर आपने एग्जाम क्लियर कर रखा है जीआरएफ वगैरह, तो आप जैसे आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया तो इससे आपका क्या आपके अपने रिसर्च इंटरेस्ट को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, किसी भी सुपरवाइजर, दो तीन पोटेंशियल सुपरवाइजर है उनको आप अप्रोच करो। मतलब फर्स्ट किसी एक सुपरवाइजर को देखा जो आपको बेस्ट लग रहा है कि महंगे काम में इंटरेस्ट हो, तो आप उनको अप्रोच करो मेल के थ्रू। उनका रिस्पांस आएगा नहीं आएगा तो फिर आप किसी और को अप्रोच कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में होता है कि वो सुपरवाइजर को लगता है कि हाँ ये मेरे काम में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपने उनसे पहले से मेल कर रखा है, उसने रिस्पॉन्स भी दे रखा है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको इंटरव्यू हुआ सिर्फ वही वही आपसे कॉन्टैक्ट करे और वही आपसे सवाल जवाब ज़्यादा करे कि उनके काम को आपने स्टडी किया है कि नहीं किया है। स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि हमको उनके पूरे रिसर्च पर पढ़ के आने होते, कि बेसिक हाँ वो किस फील्ड में काम करते हैं। तो इसी तरह से आपको कम से कम एक पोटेंशियल सुपरवाइजर तो चूज करना चाहिए और वो इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू में जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो दो तीन टॉपिक अपने अपने फील्ड से पढ़ के जाइए। और एक सुपरवाइजर को मैं कहता हूँ कि आप पहले से अगर आपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे जरूर मेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, जैसा कि सर लोग सीएसआईआर की तैयारी करते हैं, तो क्या पीएचडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है कि सीएसआईआर की तैयारी काफी है वो पीएचडी इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल, जैसे सीएसआईआर के हमने जैसे तैयारी करते हैं तो केमिस्ट्री में तीन सब पोर्शन, जैसे कि मैंने पहले बड़े सस्ती फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप तीनों पे कमांड बिल्कुल 100% नहीं हो सकता है, तो ज़्यादातर लोग कोई दो टॉपिक चूज करते हैं, सपोज फिजिकल या ऑर्गेनिक। तो
एग्जाम में आपको थर्ड टॉपिक को भी चूज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप टच करते हैं, बट आप जब इंटरव्यू के लिए आते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ पढ़ के आना है. इंटरव्यू अगर आपको यहाँ पे बताया कि किसी एक सब ब्रांच में आपको अप्लाई करोगे, जैसे कि आप किसी एक फील्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको उसमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए ज़्यादा. उसमें आपको बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जो आपने जो भी आपने पढ़ा है वही काम आएगी, उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है. बट यहाँ पे आपको बेसिक सवाल जवाब मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि सब फिर से जितना कुछ आपने GRF के CSIR के लिए एग्जाम के लिए जितना कुछ आपने पढ़ा था सब कुछ दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है. बट हाँ, आप जिस फील्ड में जा रहे हो कि आप उसके 3-4 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करके जाओ. जैसा कि ऐसा सर हमारे चैनल पर क्वेश्चंस बहुत से आए कि मान लीजिए किसी प्रोफेसर ने क्वेश्चन पहला पूछा और हमें पहला ही नहीं आया, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या उस सिचुएशन से हमारी जो PhD इंटरव्यू है उसको क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, जैसे कि हमने जैसे मेरा भी इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे, तो होते हैं ऐसा आप सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो, किसी जो भी आपसे प्रोफेसर पूछ रहे तो पहला सवाल आता है आपको, लेकिन वो आप एग्जैक्टली आपसे आंसर नहीं चाहते कि इसका राइट आंसर हो ना, बट वो आपका अप्रोच देखना चाहते हैं कि आप उस सवाल की तरफ आंसर की तरफ बढ़ कैसे रहे. आप उसको जैसे सपोज ने कोई भी क्वेश्चन पुट किया है तो आप डायरेक्ट ये नहीं मत बोलो कि मुझे नहीं आता, बट हाँ आप उसको सोच कैसे रहे, उसकी आपकी माइंडसेट क्या है उस सवाल को लेकर के, क्योंकि सवाल वैसा ही होगा जो आपने मतलब सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ा होगा आपके उसमें, तो आप उसके तरफ अप्रोच कैसे कर रहे हो, मतलब आपका कंक्लूजन क्या है, आप क्या सोच के उसकी तरफ थॉट प्रोसेस क्या है, वो थॉट प्रोसेस मेनली देखते हैं. तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपका बिल्कुल PhD इंटरव्यू गंदा हो गया, आप नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता. आप उसके बाद दूसरे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, आपका एक दो भी क्वेश्चन होता है नहीं हो पा रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि कमेटी को ऐसा कमेटी बिल्कुल कंसिडर करती है कि सर हो सकती है मैं इस चैप्टर से थोड़ा सा फंस रहा हूँ, आप बाकी चैप्टर से दूसरे चैप्टर ट्राई कर सकते हैं आप ये, तो फिर वो आपसे डेफिनेटली बात सुनती है. ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आपको बोल देंगे नहीं नहीं आपको इसी से पूछेंगे इसी को बताना, तो ऐसा नहीं होता. आप हो सकता है पहला क्वेश्चन खराब हो जाए, लेकिन आप उस पर अप्रोच कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस दिखाइए कि आप सोच कैसे रहे, अगर नहीं होता तो फिर आप दूसरे तीसरे सवाल में ट्राई कीजिए. तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं कि पहला क्वेश्चन खराब हो जाने से पूरा इंटरव्यू खराब होता है. जैसा कि सर आपने CSIR से प्रोजेक्ट कर रखा है तो उसका भी तो कुछ इफेक्ट PhD में आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो यहाँ जैसे कि बताया है आपके पास अगर JRF है तो आपके पास काफ़ी दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है बाकी कैंडिडेट के हिसाब से. बाकी लोग भी JRF होते हैं, बट हाँ कुछ अगर जो नॉन JRF कैंडिडेट है गेट वाले कैंडिडेट है तो उनसे लिटिल बिट आपका स्लाइट एज होता है उसके ऊपर, और ऊपर से अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो रिसर्च एक्सपीरियंस मेरा क्या था कि CSIR की लैब जो IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है देहरादून में, तो मैंने वहाँ से करीब करीब 5 months का प्रोजेक्ट किया था MSc के बाद. तो वो अगर आपके पास यहाँ पे आप आ रहे हो रिसर्च को, तो क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा है रिसर्चर्स, तो उनकी ट्रेनिंग में कम से कम 6 months to 1 year जाता है. तो अगर आपके पास ये सब पहले से है तो कोई भी सुपरवाइजर चाहेगा कि अच्छा इसको मुझे ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफ़ी रिसर्च काफ़ी सीख रखी है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी वगैरह इसने काम कर रखा है. तो बट ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल अगर नहीं कर रखा है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं आपको नहीं लिया जाएगा, बट हाँ कर रखा है आपने तो उसका काफ़ी एडवांटेज होता है इंटरव्यू में. सर जैसे कि आपने CSIR प्रोजेक्ट की बात करी तो इसका जो फायदा भी आपने बताया, तो क्या सर जो MSc कर रहे हैं तो उनको सर आप रोड मैप बता दें कि CSIR का जो प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, जो MSc कर रहे हैं तो अभी तो काफी वैसे कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, और तो जैसे कि हम अगर बात करूं तो जैसे फर्स्ट ईयर आप MSc की कंप्लीट करते हो तो आपका हर एक इंस्टीट्यूट में कम से कम 2 months का गैप होता है सेकेंड ईयर स्टार्ट होने में. तो उस समय क्या होगा कि आपको फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही आपको क्या करना है, CSIR लैब्स में जितने बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो अपना आपको वो फंडेड प्रोजेक्ट नहीं होगा बट उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बट आप उसको आप उनके अप्लाई कर सकते हैं, उनको मेल लिख सकते हैं, 1-2 महीने पहले से अप्रोच करोगे तो वो चाहते हैं कि हमारे अंदर स्टूडेंट्स आए और वो यहाँ से स्किल्स सीख करके जाए. तो आप अगर MSc के दौरान करना चाह रहे हो इन गोइंग में, तो आप जो 2 months होते हैं MSc का, सपोज मार्च के मई में आपका अप्रैल में एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपको जून जुलाई का ऑफ मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है. तो आप अगर मार्च एंड से ही अपने सुपरवाइजर को अपने डिफरेंट डिफरेंट CSIR लैब है, जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो NCL पुणे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, IIT हैदराबाद है, तो इन सब के साइट्स पर जाइए आप, वहाँ पर आपको प्रोफेसर की लिस्ट मिलेगी. आप जिस फील्ड से अपना MSc कर रहे हो अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप उस स्पेशलाइजेशन के प्रोफेसर को देखिए, आप उनको लिखिए, मेल लिखिएगा, आप अपना
बताए कि आप मैं आपके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो वो डेफिनेटली अगर आप सारे नहीं करेंगे बट डेफिनेटली अगर आप 5-6 को मेल लिखते हैं जितने प्रोफेसर को, तो उसमें आपका एक दो का रिस्पॉन्स आएगा। फिर आप अपने लोकेशन वाइज जहाँ आप जाना चाहते हैं तो वो कीजिए। उससे क्या होता है कि आपको वहाँ पे जाके एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लैब फैसिलिटी होती है। हमें एमएससी में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जैसा कि मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, तो उतना आपको इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन सीएसआईआर लैब काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी है, तो आप वहाँ पे जाके काफ़ी कुछ सीख सकते हो। 2 महीने में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है फिर उसके बाद आपको रिसर्च करने का मन है, तो दो भी जितनी भी साइट बताया कि और सीएसआईआर की लैब है, जितने एनसीएल पुणे में है, हैदराबाद है, देहरादून है, और एक मरीन का गुजरात में है, और भी डिफरेंट डिफरेंट लैब्स है, आप आराम से गूगल पर सर्च कर सकते हो। और तो हर एक की साइट पे आप जाओगे, एनसीएल पुणे की साइट पे जाओगे, तो हर एक जिसकी भी साइट होती है वहाँ पे एक जॉब का कॉलम होता है, तो जॉब्स में जाओगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट फेलो का ऑप्शन रहता है। अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी आएगी आपको टाइम टू टाइम वो चेक करना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट फेलो के ऑप्शन है, तो प्रोजेक्ट फेलो के ऑप्शन में वहाँ पे दिखेंगे कितने सारे पोजिशन आई हुई है, तो वहाँ पे फॉर्म्स होता है, फॉर्म्स आप फिल कीजिए और फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे आपके पास कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास सीएसआर के एग्जाम क्वालिफाइड हो, आपकी बस एमएससी पूरी होनी चाहिए, जो कुछ कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं इतने परसेंटेज के साथ, तो आप वहाँ पे जाओगे, वॉक इन इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, और वहाँ पर जाके फिर आप ज्वाइन कर सकते हो प्रोजेक्ट। तो वो 5-6 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो एमएससी के बाद भी आप कर सकते हो। और विद इन एमएससी करना चाहते हो तो वो एज ए इंटर्नशिप कहलाता है, 2 महीने का होता है, तो उसके थ्रू आपको मेल लिख के करना पड़ता है, और ऐसे आप वो जॉब्स के सेक्शन में हर एक का टाइम टू टाइम चेक करोगे तो आपको मिलेगा डेफिनेटली। जी सर, जैसा कि सर ये तो रही पीएचडी इंटरव्यू की बात, इसका जो आपने ये जो प्रोजेक्ट बताया इसका और कहाँ कहाँ क्या क्या फायदा होता है सर? बिल्कुल, प्रोजेक्ट आप अगर प्रोजेक्ट करेगा तो पीएचडी में बिल्कुल एक तो सबसे पहला है कि उसके बाद अगर पीएचडी करना चाह रहे हो तो उसमें एक फायदा होता है डिफरेंट की, जैसे आप वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट अगर सीएसआईआर लैब्स वगैरह या फिर किसी भी आईआईटी के लैब में आपने किया है तो आपने इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी काफ़ी सीखी होगी। तो उसके बाद अगर एमएससी के बाद कुछ कुछ बहुत सारी फार्मा कंपनी होती है, जो फार्मा कंपनी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है अगर एमएससी के बाद भी, बट आपका आपके पास कम से कम वो कई बार रिसर्च एक्सपीरियंस मांगती है, तो वो अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर डिफरेंट फार्मा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर जब आपका एचआर इंटरव्यू के बाद जब टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो वो आपको जाने कि क्या क्या टेक्निक आपने सीख रखी है, तो वहाँ भी काफ़ी आपका ये बेनिफिट होता है। प्लस अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो अगर आपने एनटीपीसी का जैसे एग्ज़ाम होता है तो इस एग्ज़ाम में भी आजकल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। प्लस कुछ कुछ अगर आईओसीएल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी अगर आप एमएससी के साथ साथ गेट में अच्छी रैंक चाहते ही है, प्लस उसके साथ भी अगर आपने कोई रिसर्च आपने कहीं पर से भी रिसर्च किया है 3 ईयर्स या 2 ईयर्स का रिसर्च, तो आईओसीएल में जैसे 3 साल का रिसर्च मांगते हैं, तो अगर आपका 3 साल का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी है तो वो भी वहाँ पर काउंट होता है। प्लस एचपीसीएल का हिंदुस्तान पेट्रोलियम का निकलता है, उसमें भी रिसर्च एक्सपीरियंस आते हैं। तो इन सब जगह पर आपने प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट का जब एंड करते हो तो जब आपको वहाँ पे प्रॉपर रेजिग्नेशन देना होता है तो उसके बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर जितने साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो वो काफ़ी काम आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं और भी एग्जाम्स होंगे, तो ये सब काफ़ी हैंडी होता है अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है तो। थैंक यू सर, हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अगर आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा टिप्स स्टूडेंट को देना चाहें तो प्लीज सर दें। बिल्कुल, मैं जैसे बताना चाहूंगा, आप सीएसआईआर को बहुत लोग बहुत हवा बना देते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है, बहुत क्या करे कैसे करे, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोगों ने सीएसआईआर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है आपको एमएससी करना होता है, तो मास्टर्स में जो आपको सिलेबस देखते हैं प्लस आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में अपना अपना सिलेबस पढ़ के आया है, तो मोस्टली अगर ग्रेजुएशन का अगर 50-50% अगर आप दोनों का सिलेबस मिला देते हैं तो सीएसआईआर नेट का सिलेबस तैयार हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है आप सिंपल से सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ कि सीएसआईआर में सिलेबस में क्या क्या है टॉपिक वाइज। आप सबसे पहले अपना देखो कि हाँ मुझे किस किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो आप पहले उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करो और उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बैंक से उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाओ, तो आपको क्या होगा इससे आपका मोरल बहुत बूस्ट होता है कि हाँ जो ये टॉपिक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसके बाद क्या करो आप उसके बाद जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ डेफिनेटली अपने जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है फेवरेट टॉपिक है उसे तो कर पाओगे। उसके बाद आप एक स्टेप हाई बढ़ो, जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं या फिर जो भी टॉपिक कम पढ़ा है आपने उस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए। आपको नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल बहुत ही वहाँ से भी मिल जाते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री सोर्सेस है जहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं पीडीएफ वगैरह।
तो आप उन सब टॉपिक को रिवाइज कीजिए, फिर उनके क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप बस एग्जाम होने वाला तो उसके एक महीने पहले ही क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो ऐसे आपका एक ये कुछ वन मंथ का प्रोसेस नहीं है, आप आराम से टाइम लीजिए 4-5 महीने का। जैसे अभी आप है सपोज अभी मार्च में है, तो सी एस आर एग्जाम साल में 2 बार होते हैं जनरली, तो अगर मार्च के एंड में आप तैयारी कर रहे हो तो जून वाला टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मार्च से अगर आप जैसे एंड हो रहा है एमएससी का फर्स्ट ईयर, तो आप दिसंबर वाला एंड वाला टारगेट करो। जून का एग्जाम भी जरूर दो, एग्जाम देने से आपका एक्सपीरियंस मिलता है, बट आप एक पर्टिकुलर रोड मैप बना लीजिए कि हाँ मुझे ये सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट करना है, उसके बाद ये सिलेबस। तो सबसे पहले अपना फेवरेट टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, उसके बाद हार्ड वाला, और फिर उसके बाद आप डिफरेंट पास्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाइए। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम आपका क्लियर होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को दिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।